श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर, कैनाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बाबा बालकनाथ नगर जालंधर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम सुबह 11 बजे भगवान शालिग्राम जी का अभिषेक किया गया, जिसके बाद सायं 6 बजे श्री ठाकुर जी को झूले में विराजमान कर मंदिर प्रांगण में लाया गया, जिसके पश्चात सायं 7 बजे संध्या आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायक राघव कपूर ने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का सुंदर गुणगान कर एवं श्री हरि नाम संकीर्तन कर उपस्थित संगत को भाव विभोर किया। इस मौके पर महेश गुप्ता, हरीश महेंद्रू, सुधीर गुप्ता, रेणुका महेंद्रू, किरण अग्रवाल, रवि खन्ना, दिनेश पुरी, स्मृति शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। वृंदावन धाम में आज बहुत ही उत्साह के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। उसी पद्धति के अनुसार हमारे मंदिर जालंधर प्रांगण में भी श्री राधा वृंदेश जी महाराज मंदिर, राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अभी 11 बजे ठाकुर जी का अभिषेक सभी गुरु भाइयों द्वारा किया गया, जिसमें सब ने अपने अपने ठाकुर जी को स्नान करवाया और उसके बाद लंगर प्रसाद था। और आज शाम को 7 बजे से लेके रात को ठाकुर जी की आरती तक, जन्म उत्सव तक रात को 12 बजे विशेष आरती की जाएगी। और इलाका निवासियों में बहुत उत्साह है, मोहल्ला निवासियों में बहुत उत्साह है। आज जन्माष्टमी के उत्सव पर इस मंदिर प्रांगण में सभी भगतजन इकट्ठा हुए, जिन्होंने कि आज यहाँ पे सुबह ठाकुर जी का अभिषेक किया। शाम का कार्यक्रम जो है 7 बजे शुरू होगा रात के 12 बजे तक। 12 बजे महाआरती होगी और बीच में संकीर्तन मंडलियाँ आएंगी जो कि संकीर्तन करेंगी और भक्तजन भी मिलकर संकीर्तन करेंगे। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा वृंदेश जो जालंधर शहर में राधा रमन पद्धति के साथ यहाँ पे स्थापना हुई है, जिसमें हमारे मनमाधव गोडेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी महाराज जी के द्वारा ये स्थापित मंदिर हुआ है। यहाँ पर राधा रमन पद्धति से सारी पूजा अर्चना होती है।